Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. तो अब हम लीनियर पेयर पढ़ेंगे. लीनियर पेयर में ये फिगर दिखाई गई है AOB, AOC और COB. इसमें एंगल हैं. इसमें एक AOB जो था वो एक लाइन था, दोनों साइड पर उसके एरो थे. उसके बीच में एक रे डाली गई है OC, OC एक रे डाली गई है. तो इस तरीके से ये जो OC रे है इसने इस 180 के एंगल को यानी स्ट्रेट एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जब इन पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्विवेलेंट होंगे. तो हम कहेंगे कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं. एंगल AOC एंड एंगल COB आर लीनियर पेयर बिकॉज दे शेयर ए लाइन, क्योंकि वो एक लाइन को शेयर करते हैं. अगर उनको ऐड करेंगे तो एक पूरा लाइन का एंगल यानी 180 डिग्री तैयार हो जाएगा. ये एक फैक्ट है, आप इसको पढ़िएगा. द सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180. हमेशा जब भी हम लीनियर पेयर एंगल का सम निकालते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन. ओके, इट इज़ अवर नेक्स्ट हेडिंग एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन. जैसा भी आपने लीनियर पेयर में देखा था वैसा इसमें भी होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट अब एक सिंगल रे उसको शेयर नहीं करती. इस पर मोर देन वन रेज अवेलेबल होती हैं. जैसे इस पर एक रे डाली गई है BD, एक रे है BE और ये एक स्ट्रेट लाइन है AC. तो इस तरीके से जो एंगल बने हैं वो 3 एंगल बने हैं. एंगल 1 जो यहाँ से यहाँ तक है, एंगल 2 जो यहाँ से यहाँ तक है, एंड एंगल 3 जो यहाँ से यहाँ तक है. तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये तीनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन को यानी 180 डिग्री को शेयर कर रहे हैं. तो हम कहेंगे दीज आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन. ये एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन का केस है क्योंकि इसमें कई सारे एंगल बन रहे हैं. अगर केवल 2 एंगल बनते तो उनको हम बोल सकते थे लीनियर पेयर, बट हियर इन दिस केस देयर आर 3 एंगल्स. सो वी विल से दैट दीज 3 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन. इसका भी एक फैक्ट है, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री. अगर एक साइड पर ही बन रहे हैं ये सारे एंगल्स ऑन अ लाइन जो है एक ही साइड पर बन रहे हैं तो इनका सम करने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा. बट इट डजंट मीन दैट एवरी एंगल इज़ इक्वल. ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि हर एक एंगल इक्वल होगा 60 डिग्री का. इट डजंट मीन, इसका मतलब ये है कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हमको मिल जाएगा. हियर कम्स अवर नेक्स्ट हेडिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से तो कुछ अपोजिट एंगल्स बनते हैं जो वर्टेक्स के दोनों ओर बनते हैं. जैसे वर्टेक्स के एक तरफ एंगल 1 और वर्टेक्स के दूसरी तरफ एंगल 3 बना हुआ है तो इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसी तरह 4 और 2 जो हैं ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. और अगर देखेंगे तो कुछ और पेयर आपको दिखाई देंगे. ये हमारे जो है एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, लीनियर पेयर भी हैं. ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये दोनों लीनियर पेयर हैं. बट 1 और 3 और 2 और 4 ये जो हमें मिले हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं. नाउ इट इज़ अवर नेक्स्ट हेडिंग सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर 2 एंगल्स का सम करने पर 180 आता है तो एंगल्स सप्लीमेंट्री कहलाते हैं. एंड इफ देयर सम इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर उनका सम करने पर 90 डिग्री आता है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. इस तरीके से जैसे 30 और 150 ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, और अगर हम 40 और 50 की बात करें तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं. तो इस तरीके से हमारा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है. नाउ इट इज़ अवर नेक्स्ट हेडिंग एंगल्स एट ए पॉइंट. अगर किसी पॉइंट के सब तरफ रेज डाल दी जाएँ तो जो भी अगल बगल के जो एंगल्स बनते हैं उन सभी को हम एंगल्स एट ए पॉइंट बोलते हैं, और इसका सम करने पर 360 डिग्री आता है. हियर इन दिस केस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी 360 डिग्री. बट इट डजंट मीन कि सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि रे जो है वो अलग तरीके से डली हुई है. उसको कोई हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करके नहीं डाला गया है, लेकिन इन सब का जो सम करने पर आएगा वो हमारा हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा. इनको बोलते हैं एंगल्स एट ए पॉइंट. नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर यू टू मोर एग्जाम्पल्स
because rest of the examples I have seen and they are quite easy examples. Example 8, in the given figure find x. तो इसमें हमको x find करना है. सबसे पहले देखिए solution में क्या करेंगे. ये मुझे दिख रहा है कि ये जो केस है ये adjacent angles on a line का केस है. That means ये वाला angle और ये वाला angle तीनों add करके 180 बनाएंगे. तीनों को add करके 180 के equivalent रखा. सॉल्व करने पर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 43 डिग्री. नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर. इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए आप, इसमें जो भी एंगल बन रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के बाहर भी है नीचे इस तरीके से. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम 360 डिग्री यानी एंगल्स राउंड ए पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे. यानी ये सारे एंगल्स ऐड करने पर 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 35 डिग्री. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन यू विल हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 10A एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय.